दोस्तों आज हम देखेंगे वोकैब की क्लास 4। तीन क्लास हमने ऑलरेडी कवर कर ली है और आज ये फोर्थ क्लास है और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्लास भी स्टार्ट कर दी है, जैसे एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और जी आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब की प्रैक्टिस भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आप डेली उनको भी देखिए, इवनिंग में आपको डेली उनके लिए भी प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिल जाया करेगी, तो आप उनको भी देखिए, ठीक है। और आप ये क्लास भी कंटिन्यू रखिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, मतलब पसंद आ रही है, तो ज़रूर इसको मतलब आगे बढ़ाए, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं पहला वर्ड। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर देखते हैं आज का, सबसे पहला जो वर्ड है वो है लैकोनिक। लैकोनिक, ठीक है। तो लैकोनिक जो शब्द है ये एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है और इसका मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है इसका मतलब? संक्षिप्त मतलब किसी चीज को छोटा करके, छोटा कर देना, उसको बोलते हैं संक्षिप्त करना। जैसे अगर मैं किसी आपके सामने कोई पैसेज रखूं, उससे अगर आपसे कहूं कि आप इसको संक्षिप्त में समझाइए, तो आप उसको पूरा पढ़ के नहीं समझाना है, उसको जो मीनिंग है, उसका जो मेन अर्थ है, आपको वही बताना पड़ेगा। तो संक्षिप्त होता है कि किसी बहुत बड़ी बात को छोटा करके बता देना, उसको बोलते हैं संक्षिप्त करना या लैकोनिक करना, ठीक है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं शब्द जैसे सिनोनिम के रूप में एक शब्द होता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी क्या होता है? छोटा करना। या फिर एक शब्द है कंसाइज। कंसाइज, CONCISE, कंसाइज, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? छोटा करना। ये आप किसी वस्तु के छोटा करने के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, लैकोनिक, ब्रीफ या फिर कंसाइज का, किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना या किसी चीज को कम करना, छोटा करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो शब्द है वो है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है नया नया। इसका मतलब क्या होता है? नया नया, जो चीज मतलब जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करूं, किसी फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, अभी नया नया आया है वो, तो उसको कह सकते हैं अप्रेंटिस, ठीक है। तो ये समझ में आया अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? नया नया। नए नए के लिए आप एक शब्द है नोविस। नोविस का मतलब होता है जो अभी, मतलब नौ सीखिया, इसको हिंदी में बोलते हैं नौ सीखिया। इसका मतलब ये है कि अभी वो चीज़ों को सीख रहा है, अभी उसमें इतना परफेक्ट नहीं है। या एक शब्द है न्योफाइट। न्योफाइट, ठीक है। तो न्योफाइट भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? नया नया, या फिर जो अभी किसी काम को करना उसने स्टार्ट किया है, इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता है। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं। यहां पर अगला शब्द है अबोमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घृणास्पद, ठीक है। घृणास्पद, घृणास्पद का मतलब होता है कि जो व्यक्ति घृणा के लायक हो, मतलब जिसको देख करके घृणा आए। एक क्या वस्तु के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको देख करके घृणा आए उसको बोलते हैं एबोमिनेबल। क्या बोलते हैं उसको? एबोमिनेबल। यानी आप यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं हेटफुल। हेटफुल, ठीक है, हेटफुल बोल सकते हैं। या अनप्लीजेंट एक शब्द होता है, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब भी क्या होता है? मतलब जिसको देख, एक कह सकते हैं आप घृणा, जिसको देख करके आए उसको अनप्लीजेंट, या फिर जिसको देख करके अच्छा ना लगे, ठीक है, अनप्लीजेंट वही होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला शब्द। अगला जो शब्द है हमारा वो है लेविश। लेविश, ठीक है। लेविश, लेविश का मतलब क्या होता है? लेविश का मतलब होता है खर्चीला। लेविश मीन्स क्या होता है? खर्चीला, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा पैसों को मतलब खर्च करने वाला, उसको बोलते हैं लेविश। और
या कह सकते हैं आप इसको वेस्टफुल, वेस्टफुल आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो वेस्टफुल का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला। आगे देखते हैं, आगे जो शब्द है वो है लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है, LUCID, लूसिड। तो लूसिड का मतलब की अगर बात करें हिंदी मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट, यानी अगर कोई चीज स्पष्ट है, एकदम क्लियर साफ साफ दिख रही है या समझने में एकदम क्लियर है, उसको बोलते हैं लूसिड। ठीक है, तो लूसिड का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, क्लियर और इजीली आप यूज कर सकते हैं, या अंडरस्टूड, यानी जो चीज आसानी से जिसको समझा जा सके, अंडरस्टूड कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, मतलब जो आसानी से समझ में आए, या फिर इजीली कोई चीज अगर समझ में आए उसको क्या कहते हैं, लूसिड बोलते हैं, यानी स्पष्ट बोलते हैं। आगे शब्द है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है मैमथ। मैमन, ठीक है, मैमथ, MAMMOTH, मैमथ। मैमथ ये भी काफी अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है विशाल, विशाल या फिर बहुत बड़ा, जो आकार में बहुत बड़ा हो, विशाल हो, उसको बोलते हैं मैमथ। ठीक है, इसके लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं ह्यूज, HUGE, ह्यूज आप कह सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा। या एक शब्द होता है जाइजेंटिक, ठीक है, जाइजेंटिक, तो जाइजेंटिक का मतलब भी क्या होता है, ह्यूज होता है, यानी विशाल होता है, विशाल मतलब बहुत बड़ा, आकार में बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं मैमथ, या फिर ह्यूज, या फिर जाइजेंटिक, ये शब्द आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो शब्द है वो है मिटिगेट। तो मिटिगेट ये शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इसका जो मतलब होता है, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कम करना, कम करना। ठीक है, कम करना इसका मतलब होता है मिटिगेट, तो कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। और कम करने के लिए भी मैं आपको वर्ड बता चुका हूँ, एक शब्द होता है लेसन, तो लेसन का मतलब भी क्या होता है, कम करना, या फिर ईज, यानी आराम होना किसी चीज़ से, तो इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड मिटिगेट। दर्द, जनरली दर्द कम करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं मिटिगेट का। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा शब्द है वो है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, ठीक है, तो ये शब्द है MALIGNANT, मैलिग्नेंट। तो आराम से इस वीडियो को देखिए, और देखिए अगर आपको याद करने में वर्ड अगर डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको काफ़ी जो है आसानी से याद हो जाएंगे। और साथ में PDF आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उससे रिविज़न आप करते रहना, ठीक है, इससे आपको जो है सारे वर्ड आसानी से याद होंगे, और आपको हेल्प मिलेगी इन वर्ड को याद करने में। तो नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है मैलिग्नेंट, ठीक है, मैलिग्नेंट, इसका मतलब होता है घातक, घातक, यानी जो चीज़ नुकसानदायक हो, घातक हो, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। और आप शब्द यूज़ कर सकते हैं इसके लिए मैलिशियस, तो मैलिशियस का मतलब भी क्या होता है, घातक, जो चीज़ खतरनाक है, नुकसानदायक है। अगला शब्द है, नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है नोक्जियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नोक्जियस, और नोक्जियस का मतलब क्या होता है, नोक्जियस मीन्स होता है हानिकारक, तो हानिकारक बोलते हैं नोक्जियस को। तो हानिकारक हुआ इसका मतलब, यानी नोक्जियस। और हानिकारक के लिए जैसे एक शब्द आप यूज़ कर सकते हैं हार्मफुल, क्या होता है, हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब भी होता है जो चीज़ हानिकारक हो, जो हमें नुकसान पहुंचाए। या फिर एक शब्द होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, ठीक है, तो ऑफेंसिव भी आप यूज़ कर सकते हैं हानिकारक के लिए। तो ये होता है नोक्जियस का हिंदी मीनिंग, यानी हानिकारक, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हार्मफुल या फिर ऑफेंसिव। आगे देखते हैं, अगला जो शब्द है, अगला शब्द है हमारा निफेरियस, NEFARIOUS, ठीक है, निफेरियस। निफेरियस का मतलब क्या होता है, निफेरियस मीन्स होता है बेईमान, जो व्यक्ति बेईमान हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं निफेरियस। तो बेईमान इसका मतलब होता है, निफेरियस का मतलब क्या हुआ, बेईमान, यानी वेरी विक्ड,
वेरी विक्ड, बहुत ही बुरा व्यक्ति, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर अनलॉफुल, जो अनलॉफुल कह सकते हैं आप इसको, UNLAWFUL, ठीक है, अनलॉफुल यानी जो नियम कानून पर ना चले, जो व्यक्ति मतलब अपनी बात से मुकर जाए उसको बोलते हैं निफेरियस, या फिर कह सकते हैं आप बेईमान। ओके, ये वर्ड समझ में आए आपको, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा शब्द रहेगा वो है 11वें नंबर पर, और 11वां जो अगला जो हमारा शब्द है वो है ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट, OVERT, ठीक है, ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है एकदम खुला, मतलब जो चीज खुला हुआ है, खुला एकदम, जिसके बारे में कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब कोई बात छुपी हुई नहीं है, एकदम ओवर्ट है, यानी सब लोग उसके बारे में जानते हैं, वो क्या है, ओवर्ट यानी ओपन एकदम। तो ये आपको समझ में आया होगा खुला। आगे देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं, ओवर्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा ओप्युलेंस, एक शब्द है ओप्युलेंस, ओप्युलेंस, ठीक है, ये काफी अच्छा शब्द है ओप्युलेंस। ओप्युलेंस की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है धनी, क्या होता है, धनी, ओप्युलेंस के लिए हम धनी, या फिर किसी चीज की अधिकता होना, तो किसी चीज की अधिकता होना, या फिर धनी के सेंस में हम यूज करते हैं किसका, ओप्युलेंस का, तो ये आपको याद रखना है, ओप्युलेंस मीन्स क्या हो गया, धनी, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे लग्जरी, तो लग्जरी का मतलब भी क्या होता है, धनी कह सकते हैं आप एक सेंस में लग्जरी, या फिर वेल्थ, तो वेल्थ आप यूज कर सकते हैं, मतलब किसी बात की, किसी चीज की अधिकता होना, तो इस सेंस में हम यूज करेंगे ओप्युलेंस का। अगला शब्द देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है ऑब्सोलीट, ठीक है, क्या शब्द है हमारा, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, ठीक है, हिंदी मीनिंग की अगर बात करें ऑब्सोलीट की, तो ये होता है अप्रचलित, अप्रचलित, तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित, यानी जो अब प्रचलन में नहीं है, जिसका मतलब दौर नहीं है, अब जो पुराना हो चुका है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित। और एक शब्द होता है ऑब्सोल्यूट, एक शब्द होता है ऑब्सोल्यूट, तो ऑब्सोल्यूट और ऑब्सोलीट में आपको अंतर समझना है। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, ऑब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, तो ये आपको समझना है ऑब्सोल्यूट और ऑब्सोलीट में अंतर। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित और ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, कहते नहीं कि ऑब्सोल्यूटली, मतलब पूर्ण रूप से, ऑब्सोल्यूटली मीन्स क्या होता है, पूर्ण रूप से, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा शब्द है, नेक्स्ट हमारा शब्द है ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी, ये काफी अच्छे शब्द है, दिखावटी, दिखावटी के लिए हम यूज करते हैं ऑस्टेंटेशियस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिखावटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑस्टेंटेशियस। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे ऑब्सीन, ऑब्सीन, ठीक है, ऑब्सीन का हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है गंदा, या फिर अश्लील, ठीक है, अश्लील कह सकते हैं, या फिर गंदा, उस सेंस में हम यूज करते हैं ऑब्सीन का। ओके, तो आप इसके लिए सिनोनियम की अगर बात करें तो इमोरल आप यूज कर सकते हैं, मतलब जिसमें मोरल ना हो, संस्कार वाली कोई बात ना हो, उसको बोलते हैं इमोरल, ठीक है, संस्कार ना हो, इमोरल हो गया, या फिर इनडिसेंट, एक शब्द होता है इनडिसेंट, आप यूज कर सकते हैं इनडिसेंट, तो ये भी यहाँ पर एस नहीं आएगा, INDECENT, इनडिसेंट, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं दोनों शब्द को, इमोरल या फिर इनडिसेंट, जिनका मतलब होता है अश्लील या फिर गंदा। अगला शब्द देखेंगे यहां पर, अगला जो शब्द है वो है ऑनरस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनरस, ठीक है, ऑनरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कष्टपूर्ण, ऑनरस मीन्स क्या होता है,
कष्टपूर्ण यानी कष्ट से भरा हुआ, उसको बोलते हैं ऑनेरस, यानी कह सकते हैं स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस NUOUS, ठीक है। स्ट्रेनुअस का मतलब हो गया जो हमेशा स्ट्रेस में रहे, कष्ट में रहे, उसको बोलते हैं स्ट्रेनुअस, ठीक है। या फिर एक शब्द होता है ऑर्डस, DUOUS, ओके, ऑर्डस, ऑर्डवस। तो ऑर्डवस का भी यूज इसी सेंस में हम कर सकते हैं, कष्टपूर्ण यानी कठिन होना, या फिर ऑनरस, स्ट्रेनुअस, ये तीनों जो शब्द है वो एक ही जैसा मीनिंग देते हैं। अगला शब्द देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पोशिटी। पोशिटी भी काफ़ी अच्छा शब्द है, पोशिटी। और पोशिटी की अगर बात करें तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कमी होना, कमी होना। तो पोशिटी का जो यूज़ करते हैं, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कमी, यानी किसी भी चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं पोशिटी होना। और कमी होने के लिए एक शब्द है बहुत ही अच्छा है, स्केयरसिटी। तो एक शब्द है स्केयरसिटी, कमी होने के लिए किसी भी चीज़ की कमी होना यानी स्केयरसिटी होना। और एक बहुत ही अच्छा शब्द है ये भी, डर्थ, डर्थ, ठीक है। तीन शब्द मैंने आपको बताए कमी होने के सेंस में, एक है आपका पोशिटी जिसका मतलब होता है कमी होना, स्केयरसिटी या फिर डर्थ। तो इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं कम के सेंस में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। आगे शब्द है जो हमारा वो है फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है हमारा जो शब्द है फ्रेग्रेंस, ठीक है, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, सुगंध, ठीक है, यानी जो सुगंध होती है, खुशबू कह सकते हैं आप इसको, उसको बोलते हैं फ्रेग्रेंस, या परफ्यूम यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, सुगंध के लिए। परफ्यूम का मतलब भी क्या होता है, जो खुशबूदार होता है, ठीक है, तो परफ्यूम कह सकते हैं आप इसको, या फिर फ्रेग्रेंस, दोनों का मतलब क्या होता है, सुगंध से होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा शब्द है वो है पैरामोर। नेक्स्ट है हमारा पैरामोर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरामोर। पैरामोर का हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है प्रेमी या फिर प्रेमिका। तो दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं पैरामोर का, प्रेमी के लिए भी और प्रेमिका के लिए भी, ठीक है। तो पैरामोर का मतलब आपको समझ में आया होगा, इसका मतलब होता है प्रेमी या फिर प्रेमिका। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, ये भी बढ़िया शब्द है पैराडॉक्स। और पैराडॉक्स के हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना, मतलब भ्रमित होना। तो भ्रमित होना मतलब कंफ्यूज होना, उसको बोलते हैं भ्रमित होना। तो इसका मतलब क्या हो गया, भ्रमित होना। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं जैसे पजल, पजल कह सकते हैं। पजल का मतलब क्या होता है, जो आपको कंफ्यूज कर दे, उसी को तो पजल बोलते हैं, ठीक है। या एक शब्द आप यूज़ कर सकते हैं एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी का मतलब भी क्या होता है, भ्रमित कर देने वाला, एम्बिग्विटी। और एक शब्द आपने पढ़ा होगा एम्बिगुअस, यानी जो भ्रमित कर दे, उसके लिए भी आप यूज़ करते हैं एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस से ही बना शब्द एम्बिग्विटी, तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगला शब्द देखेंगे यहाँ पर, अगला जो हमारा शब्द है वो है प्रेडिक्शन, PREDICTION, प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी, यानी जब कोई व्यक्ति आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन। तो ज्योतिष जो होते हैं वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। और जो अगर हम कोई चीज़ पहले ही बता रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फोरकास्ट, फोरकास्ट, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं फोरकास्ट, यानी पहले ही बता देना किसी चीज़ के बारे में। या प्रोफेसी, एक शब्द है प्रोफेसी, तो फोरकास्ट या फिर प्रोफेसी आप यूज़ कर सकते हैं भविष्यवाणी के सेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा शब्द है वो है
प्लेसिड, तो प्लेसिड यहां पर लिखा हुआ है। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, यानी एकदम शोर ना मचाना, एकदम शांत रहना, उसको प्लेसिड बोलते हैं। या फिर कोई ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई शोर शराबा नहीं है, तो उस स्थान को भी आप कह सकते हैं कि उस स्थान को प्लेसिड आप बोल सकते हैं। तो प्लेसिड का मतलब होता है शांत, और शांत के लिए आप यूज कर सकते हैं काल्म, ठीक है, आप बोल सकते हैं। यह एक शब्द है सिरेन, तो सिरेन आप यूज कर सकते हैं शांत के सेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो शब्द है वो है प्लाईएबल। तो प्लाईएबल यहां पर लिखा हुआ है, और इसका हिंदी मीनिंग की अगर बात करें प्लाईएबल की, तो इसका मतलब होता है लचीला। प्लाईएबल का मतलब क्या होता है? लचीला, मतलब जिस चीज में लचीलापन है, या फिर जो व्यक्ति के सेंस में अगर बात करें तो जो व्यक्ति दूसरों की बात को माने, उसको उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं प्लाईएबल। एक व्यक्ति होता है कि केवल वो अपनी बात पर जिद करे रहता है, बिल्कुल दूसरों की बात नहीं मानता है, एकदम अपनी बात पे अड़ा रहता है। एक और व्यक्ति होता है कि वो दूसरों की बात भी मानता है, तो उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं प्लाईएबल का, कि वो व्यक्ति कैसा है, प्लाईएबल है, यानी उसके अंदर जो है सहनशीलता है, दूसरों की बात समझने की उसमें सहनशीलता है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे डक्टाइल, एक शब्द है डक्टाइल, तो ये आप यूज कर सकते हैं। या फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जिसके अंदर लचीलापन हो वस्तु के सेंस में, मतलब जैसे स्प्रिंग होता है तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो लचीलापन होता है उसके अंदर। तो किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हैं, वस्तु के सेंस में भी और व्यक्ति के सेंस में भी। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो शब्द है हमारा वो है पेरिल, PERIL, पेरिल, और पेरिल भी अच्छा शब्द है ये पेरिल, ठीक है। तो पेरिल का मतलब होता है खतरा, खतरा मतलब डेंजरस, यानी जो चीज रिस्क, रिस्क कह सकते हैं, रिस्क पे कोई काम करना, तो वो क्या है, पेरिल है, यानी उसमें क्या है, खतरा है। और खतरे के लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे हैजार्ड, एक शब्द है हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब क्या होता है, खतरा। और हैजार्डस की अगर बात करूं तो वो हो जाएगा खतरनाक, तो ये भी आपको याद रखना है। या फिर एक शब्द है प्रीकोरियस, प्रीकैरियस, PRECARIOUS, प्रीकैरियस, तो प्रीकैरियस का मतलब भी क्या होता है, खतरा ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो शब्द है हमारा वो है क्वारलसम, QUARLSOME, क्वारलसम। तो क्वारलसम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, क्वारलसम मीन्स क्या होता है, झगड़ालू। तो क्वारल आपने सुना होगा, क्वारल का मतलब झगड़ा होता है, क्वारलसम की अगर बात करें तो हो जाएगा झगड़ालू। या फिर कह सकते हैं इरिटेबल, इरिटेबल यानी जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से चिढ़ रखे उसको बोलते हैं इरिटेबल, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा वो है रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला, बदला, ठीक है, रिवेंज उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन यानी आप कह सकते हैं रिवेंज। तो रिवेंज का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं बदला, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं रिट्रीब्यूशन का, रिट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, बदला, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो शब्द है वो है हमारा जोवियल, JOVIAL, जोबियल, जोबियल का मतलब होता है प्रसन्न, यानी जो व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, हैप्पी है, उसको बोलते हैं जोबियल। तो इसके लिए कह सकते हैं आप हैप्पी, तो हैप्पी का मतलब क्या हो गया, खुश यानी प्रसन्न। यह एक शब्द होता है मैरी, तो मैरी का मतलब भी क्या होता है, खुश होता है यानी हैप्पी होता है। आगे है, आगे जो शब्द है वो है जंक, JUNK, जंक, जंक का मतलब आप समझते होंगे, जंक का मतलब होता है कचरा, जंक मीन्स क्या हो गया, कचरा यानी डिस्कार्डेड, जो कैसी वस्तु हो,
डिस्कार्डेड डिस्कार्डेड थिंग्स उसके लिए हम यूज करते हैं जंक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला जो शब्द है, अगला जो शब्द है वो है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है इसका मतलब? बुद्धिमान या फिर कह सकते हैं समझदार। तो बुद्धिमान या फिर समझदार बोलते हैं किसको? जुडिशियस को। तो जुडिशियस का मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान या फिर समझदार, यानी आप कह सकते हैं वाइज। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला जो पार्ट है वो यहीं से आगे हम करेंगे कंटिन्यू। और पांच पार्ट आपके लगातार में बनाने के बाद, पांच क्लासेस देने के बाद एंटोनियम सिनोनियम पर, फिर उसके बाद आगे फिर मैं आपको एक दो वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा एमसीक्यूज के फॉर्म में एंटोनियम सिनोनियम की। फिर उसके बाद आपकी वन वर्ड या फिर ईडियम्स की क्लास जो है आगे की पांच क्लास जो वन वर्ड या ईडियम्स पर होगी। तो इसी प्रकार से पांच पांच क्लास का गैप दे करके हम करते रहेंगे और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैंने आपको बता ही दिया है कि साथ में प्रैक्टिस की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको भी ज़रूर डेली फॉलो करें, डेली देखें। उसमें मैं आपको ग्रामर के टॉपिक्स पर जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ और हर टॉपिक्स पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो वोकैब से रिलेटेड हो, तो सब पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बने रहिए ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।